जब हिंदू घटते हैं तो क्या होता है, ये बांग्लादेश से समझ सकते हैं। देश में देखना हो तो संभल से जान सकते हैं। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की समझाइश इसीलिए दी है? क्या देश में हिंदू आबादी घट रही है और तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है? क्या जो पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, लेबनान में हुआ और अब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में हो रहा है, वही खतरा भारत में भी पैदा हो गया है? इसकी एक एक डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए जरा। चिंतेचा विषय आहे, त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। क्या भारत में हिंदू खतरे में है? उनकी जनसंख्या घट रही है? क्या हिंदुओं को अपना परिवार बढ़ाना पड़ेगा? हिंदुओं को अगर ताकत बढ़ानी है तो क्या 3 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे? क्या बोले बोलिए, मैंने आप पढ़ के सुनाओ भाई, मैंने आप बोलना बोलना मोहन भागवत ने कि 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले जिस समाज का प्रजनन दर 2.1 से कम है वो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो जाए। फिर हमको क्यों बच्चे पड़े गए? आप माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे, वो इसी ने ऐसा बोला और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह 6 हैं। अपनी मोहन भगवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। तो मोहन भगवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपये दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, 3 कितना डालेंगे, क्या डालेंगे, वो डिसाइड कर लो। मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे। ओवैसी ने क्यों कहा बच्चे तो 6 ही अच्छे? संघ प्रमुख 2 से 3 बच्चे पैदा करने की बात इसलिए कह रहे हैं ताकि भारत में भी हालात बांग्लादेश जैसे ना हो, जनसंख्या असंतुलन ना हो, हिंदुओं को धार्मिक अल्पसंख्यक होने की वजह से मार काट ना झेलनी पड़े, देश का वातावरण ठीक बना रहे। लेकिन भाईजान इसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो फिर वही कह रहे हैं चच्चा के बच्चे 6 ही अच्छे। ओवैसी औरंगाबाद की दोनों सीटें विधानसभा में हारने के बाद हताश हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, जबकि संघ प्रमुख पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हो रहा है वैसा भारत में ना हो, इसलिए जनसंख्या दर 2.1% से नीचे नहीं जाए इसके लिए सचेत कर रहे हैं। संख्या उल्लेख है, जनसंख्या कमी होते पर चिंता है, चिंतेचा विषय आहे, त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही, कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले 2.1 खाली येतात। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, कधी 2 जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांग। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे, ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना, निर्णया प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात, 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले। मोहन भागवत को ये बयान क्यों देना पड़ा ये समझना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 6.2% थी, जो अब घटकर 2.2 रह गई है। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.3% रह जाएगी। जनसंख्या दर अगर इतनी तेजी से गिरी तो क्या होगा? क्या मुसलमान तेजी से बढ़ जाएंगे? क्या हिंदू तेजी से घट जाएंगे? क्या भारत में सच में डेमोग्राफी चेंज हो रही है? इसे समझने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों और 90 के दशक में हुई कुछ रिसर्च का विश्लेषण जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी
96 करोड़ थी। मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ और ईसाइयों की आबादी करीब 3 करोड़ थी। देश में हिंदू आबादी करीब 79.8% और मुस्लिम आबादी 14.2% थी। लेकिन 90 के दशक में एक और रिसर्च हुई जो डेमोग्राफी में बड़े चेंज का संकेत देती है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 90 के दशक में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% तक गिर गई, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 2.6% रही। बीते 60 साल में देश में हिंदुओं की जनसंख्या 4% घट गई और मुसलमानों की 4% बढ़ गई। अगर ये सिलसिला चलता रहा और हिंदुओं की जनसंख्या दर इसी तरह गिरती रही तो वही खतरा पैदा हो जाएगा जो अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। 1947 से पहले पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 14.6% थी, जो अब 1.5% के करीब बची है। 1947 के पहले बांग्लादेश वाले हिस्से में 28% हिंदू रहते थे, जो अब 8% से भी कम बचे हैं। ऐसा हाल सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। जिस भी देश में डेमोग्राफी चेंज हुई और वहां के मूल निवासियों से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो गई, उस देश में बटेंगे तो कटेंगे ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लेबनान है, जहां पहले ईसाई ज्यादा थे, मुसलमान बढ़े तो ईसाइयों का कत्लेआम हुआ। आज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में वहां के मूल निवासी परेशान हैं। वहां आए दिन शरिया कानून लागू करने के लिए मुसलमानों की भीड़ सड़कों पर उतर आती है। ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। असम के 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बिहार के किशनगंज में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। यूपी के रामपुर, मुरादाबाद जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। संभल इसका ताजा उदाहरण है, जहां ASI संरक्षित जामा मस्जिद पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। यहां मुसलमान कोर्ट के आदेश पर भी सर्वे नहीं करने दे रहे। सर्वे करने पर पत्थर और गोलियां चलाने भीड़ उतर आती है। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहां की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 1529 से पहले संभल में हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन मुगलों ने हरिहर मंदिर को तोड़ा और उस इलाके में तलवार की नोक पर जबरन धर्मांतरण कराया। धीरे धीरे हिंदू घटकर 30% रह गए और मुसलमान 70% हो गए। संभल में ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं। अब भी उनके नाम के आगे त्यागी, चौधरी, गुज्जर मिल जाएगा। मतलब संभल के ज्यादातर मुसलमान जाटो, गुज्जरों और त्यागी समाज से कन्वर्टेड हैं। उनका DNA हिंदुओं का है। पहली बात तो ये है कि आज का जो दौर है ये और है, और 400 साल 500 साल वाला दौर और था। संभल के आसपास जितने भी मुसलमान भाई हैं वो तो सब जाटों से कन्वर्ट हुए, त्यागियों से कन्वर्ट हुए, गुजरों से कन्वर्ट हुए, ठाकुरों से कन्वर्ट हुए। इसीलिए संभल से लेकर सहारनपुर तक आपको जाकिर त्यागी मिल जाएंगे, आपको डॉक्टर मरगूब त्यागी मिल जाएंगे, कादिर राणा मिल जाएंगे, है ना, वहां चौधरी मिलेंगे, अशफाक चौधरी मिलेंगे, अनवार चौधरी मिलेंगे। जो जाट थे वो अभी भी चौधरी लगाते हैं। तो DNA तो एक है, पूजा करने का तरीका बदल गया। और ये जो संभल का पूरा ये जो इलाका है, ये बड़ा मजबूत इलाका है, इसमें बहुत अच्छी खेती होती है, गन्ना बहुत अच्छा होता है, सब बड़ा उपजाऊ इलाका है, और यहां के लोगों को कन्वर्ट किया गया। 2012 तक संभल की जामा मस्जिद में हिंदू जाते थे, शादी बारात में पूजा पाठ भी करते थे। लेकिन 2012 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने तो वहां के तुर्क सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इशारे पर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की पूजा पाठ पर रोक लगा दी। ASI के संरक्षित जामा मस्जिद पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में चली गई। हिंदुओं ने कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे कराना चाहा तो वहां जमकर हिंसा की गई। हिंसा करने वालों का इलाज योगी की पुलिस कर रही है। अब तक 27 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। 300 दंगाइयों की पहचान हो चुकी है। 250 के पोस्टर लगाए जा चुके हैं। लेकिन विपक्ष को सरकार पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, उसे कट्टरपंथियों के बताए पर भरोसा है। उन्हें न्यायिक आयोग पर भी भरोसा नहीं है, जो संभल हिंसा की जांच कर रहा है। उनके लिए कट्टरपंथियों और पत्थरबाजों की जुबान कानून से ऊपर हो चुकी है। देखिए, सरकार की टीम पर हमें विश्वास नहीं है। ये मौजूदा जज के न्यायिक जांच हो, उसमें सीनियर जज के नेतृत्व में जांच हो तब तो ठीक है।
ये सरकार तो बेईमान है। देखिए जो भी चुनाव हो रहे थे, अभी वो चुनाव हुए हैं, शासन प्रशासन के बल पर जनता को वोट, कहीं पर भी जनता को वोट नहीं डालने दिया है, खो देने उन्हें, गुन्नों को, अपराधियों को इकट्ठा करके और पुलिस के संरक्षण में दे करके जनता को रोका है वोट डालने से, और इन्होंने बूथों पर कब्जा किया है। अखिलेश यादव वहां का सियासी पर्यटन कर चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तैयारी में हैं। वजह साफ है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। पत्थरबाजों को चेक बांटकर उन्हें कानून पर पत्थर फेंकने के लिए तैयार करना है। अखिलेश की सेना में शामिल माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी अफसरों को धमकी दे रहे हैं। पहले राम गोपाल धमकी दे रहे थे। अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुग रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशी था, उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था, वो भी यही समझ रहा था कि अब हम, हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं, वक्त आएगा बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे, और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सब का हिसाब किताब होगा, कानून के रास्ते से सब जांच होगी। उपचुनाव में कुंदरकी और मीरापुर जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हारने के बाद अखिलेश यादव का 2027 में सत्ताधीश बनने का सपना टूटता दिख रहा है, इसलिए उन्होंने जमाती गैंग को आगे कर दिया है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है, समाजवादी पार्टी की जो कुकृत्य है, वो आज से नहीं है। समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडे माफियाओं के कब्जे में रही है, और उनकी भाषा शैली भी गुंडों जैसी है, अपराधियों जैसी है। प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि गुंडे माफिया प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहाँ राजनीतिक पर्यटन करेंगे। प्रदेश की जनता इनको पास से ऑब्जर्व कर रही है, इनको पूरी तरह से नकार दिया है इन उपचुनाव में, और ये अपनी हार और खींच का बदला तरह तरह के बयान देकर के अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। संभल के बाद बदायूं की जामा मस्जिद पर भी विवाद बढ़ गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि बदायूं में जिसे मुसलमान जामा मस्जिद कहते हैं, वो असल में नीलकंठ महादेव मंदिर है। मुस्लिम पक्ष इसे 800 साल पुरानी मस्जिद बता रहा है, तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष पूजा का अधिकार मांग रहा है। 3 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष अदालत में जिरह करेगा। अपने दामाद इलित मिश्र को बदायूं का सूबेदार बना गया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया, और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेंपल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वो इसी भी उसमें मौजूद चारों लिंग की दीवारें हैं, भाक्षी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अब भी मौजूद है। सरकारी कोर्ट ने अपने राष्ट्रीय धरोहर माना है सरकार ने, और उस पर अपने रिपोर्ट लगा दी है सरकार ने, और सरकारी कोर्ट के वकील की बहस पूरी हो गई है। अब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। सोचिए, अगर संभल और बदायूं गैर बीजेपी शासित राज्यों में होते तो क्या होता? क्या मुजफ्फरनगर फिर दोहराया जाता? क्या फिर हिंदू दंगे भी भेंट चढ़ते? यहाँ हिंदू टारगेट पर थे, लेकिन बच गए, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, एक है तो सेफ है। योगी से पहले हिंदुत्व की निशानियां मिटाने का फैशन यूपी में बन गया था। मठ मंदिरों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के कब्जे आम बात थे, लेकिन अब योगी हैं तो नाम भी बदला जा रहा है और पहचान भी। योगी सरकार ने प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे बने रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट रख दिया है। 33 साल पहले इसका प्रस्ताव वहाँ के नगर निगम ने दिया था, लेकिन न तो समाजवादियों ने कुछ किया और न ही कांग्रेस और बीएसपी ने। अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 2017 से पहले यूपी में माफिया मूछे ऐंठ कर चलते थे, अब हिम्मत नहीं होती कि किसी को घूर कर देखने की, क्योंकि अब योगी की सरकार है। यानी पहले यहाँ पे कोई निवेश करता नहीं था, और अब निवेश की झड़ी सी लग चुकी है। कांग्रेस आज
निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश न केवल एक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल दे रहा है, बल्कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ आया है जो बेहतरीन निवेश अपने राज्य में करवा सकता है, सुरक्षित निवेश करा करके हम उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा, जो माफिया राज था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, सख्ती से उससे निपटा गया। आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हमें भी जुड़ना है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि 28-29 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे।